ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा की जो सबसे पहले न्यूज आई थी, जिसमें वो चार एग्जाम्स को नए वालों को ऐड किया गया था, उनकी रिक्वायरमेंट को ऐड किया गया था, अब उसके ऊपर एक और अपडेट आया है कि अब ये न्यूज, पहले ये न्यूज थी आई CIC न्यूज पे, जो कि एक प्राइवेट पोर्टल है, अब ये दोबारा पब्लिश हुई है प्रॉपरली। ये पब्लिश हुई है गजट में, gazettegc.ca। ये जो गजट है ये गवर्नमेंट का न्यूज पोर्टल है। सो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और मोस्ट लाइकली उनकी न्यूज को पढ़ने के बाद जो ये सिग्निफाई हो रहा है, वो यही सिग्निफाई हो रहा है कि जो आयल्स होगा, अगर जनरल किया होगा तो 6 ईच चाहिए होंगे, और एकेडमिक में ये 6 ओवरऑल हो जाएंगे। अभी मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन डिटेल उसमें भी नहीं दी गई, बट उन्होंने जर्नल के साथ अगर 6 ईच वर्ड यूज किया है तो वो एकेडमिक के साथ भी कर सकते थे, बट उसमें उन्होंने सिर्फ मिनिमम 6 कहा है, ओवरऑल का जिक्र किया है। इसी तरह से PT को लेके भी उन्होंने मिनिमम 60 का जिक्र किया है, ईच का कोई जिक्र नहीं किया। सेम वे TOEFL में भी 83 का जिक्र किया है, ईच का जिक्र नहीं किया। तो जो जब गवर्नमेंट लिखती है तो काफी हद तक ये चीजें स्पेसिफाई होती हैं। अगर वो जनरल को अलग से लिख सकते हैं 6 ईच बनाकर, तो वो एकेडमिक को भी कर सकते थे। तो मोस्ट लाइकली जो आने वाला समय है वो कनाडा के लिए जबरदस्त समय होने वाला है, अगर उसका स्कोर 6 ओवरऑल एकेडमिक एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, और प्लस जो उसका PT स्कोर है वो 60 ओवरऑल एक्सेप्ट होना चल जाएगा, और TOEFL 83। तो मतलब कनाडा इस तरह से खुलेगा कि भाई बाढ़ आने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है, आने वाला समय काफी पॉजिटिव आने वाला है कनाडा के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, तकरीबन 2 महीने के बाद SDS की लिस्ट अपडेट होगी, और वो अपडेटेड लिस्ट इस चीज के बारे में कंप्लीटली क्लैरिफाई कर देगी, और जो क्लैरिफिकेशन लग रही है, क्योंकि IDP ने भी 2 बार इसको क्लैरिफाई कर दिया है, और गजट में भी आ गया, तो इसके बाद चीजें ऑलमोस्ट 99% श्योर है। 1% हमें डाउटफुल रहना है, और रहना पड़ेगा जब तक खुद कनाडा IRCC अपने वेबसाइट के ऊपर चेकलिस्ट को अपडेट नहीं कर देती। तो निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें, और कनाडा के लिए फुल गुड वाइब्स में रहें, और अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी लगाएं। और एक एडवाइस है कि कनाडा की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को देखते हुए बच्चों को मैं ये कहूँगा कि वो टोरंटो को टारगेट करना बंद कर दें। इतना बच्चा वहाँ पे जा चुका है, इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं कि स्टूडेंट्स अपनी जॉब्स के लिए स्ट्रगल करने लगे हैं। तो ये स्ट्रगल आपको ना करनी पड़े, ये आपको ना झेलनी पड़े, आपके पेरेंट्स के ऊपर वजन ना बढ़े, आपके ऊपर वजन ना बढ़े। तो कनाडा बहुत बड़ा है, चाहे उसमें अल्बर्टा है, चाहे क्यूबेक है, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया है, और सब जगहों पर, अलग अलग जगहों पे जाएं, किसी एक जगह को टारगेट ना करें, नहीं तो आप दोस्त के पास तो जाएंगे पर वो दोस्त खिलाएगा कितनी देर आपको, ये चीज़ नोट करके रखें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। ब्रॉडवे के साथ अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो तुरंत टीम को मिलें और पैसे दें वीज़ा लगने के बाद। सो हम अब एंटर होने जा रहे हैं जून मंथ में, या हो चुके हैं मैं कहूँगा, और जून मंथ में एंटर होने के बाद डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके कास्ट लेटर्स अप्लाई होंगे, जहां पर आपके वीजा अप्लाई होंगे, कास्ट लेटर से रिसीव होंगे। अब इसके अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसकी तरफ अब बढ़ना शुरू कर दो। अपनी फीसिस जो तकरीबन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की अगले 15 दिन के अंदर डेडलाइन है, अगर आपकी फीसिस नहीं जाती हैं तो ये मान के चलो भाई आपका कास्ट भी नहीं आने वाला है। और इसमें जो मास्टर्स वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, वो नोट कर लें कि अगर भाई आपका कास्ट नहीं आया तो अगली बार स्पाउस नहीं जा पाएगा। सो एजेंट से लड़ने का फायदा कोई नहीं, अपनी फीस फटाफट ट्रांसफर करो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका ऑफर क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम।
सेकेंडली स्पाउस एप्लीकेशंस लगानी है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखें। पहले जो वीजा आ रहे थे वो तकरीबन मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से काम हो जाता था, बट आज की डेट में मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास आधार कार्ड सेम एड्रेस के, आपके पास पैन कार्ड, आपके पास कुछ और एक दो प्रूफ, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, ऐसे दो तीन एविडेंस एज ए स्पाउस होने चाहिए कि आप लोग सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, सेम रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। बैकअप में अपने मैरिज फोटोग्राफ्स और इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज एम्बेसी ने ये चीज़ें पिछले इनटेक में भी कुछ केसेस में मांगनी शुरू कर दी थी। तो ये चीज़ डेफिनेटली सितंबर में भी आने वाले दिनों में हो सकती है। सो मैं आपको अभी से आगाह और अवेयर कर रहा हूँ 3 मंथ एडवांस, ताकि आप अच्छे से अपनी फाइलिंग के ऊपर काम कर सकें अपने एजेंट के साथ। और जहाँ से भी अप्लाई किया है, ब्रॉडवे से अप्लाई किया है, तो हमारी टीम आपको डेफिनेटली अपडेट कर रही है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी कर दूंगा कि ये समय नहीं है कि मेरी टीम के साथ या किसी भी एजेंट के साथ आप बहस करते रहो। जो सोल्यूशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सोल्यूशन पे हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, लड़ाई की तरफ ना बढ़ें। सो जितनी जल्दी हो सकता है ये सितंबर इनटेक को कैचअप कर लो, अपनी फीसिस टाइम से ट्रांसफ़र करवा लो। फीसिस रह गई, लेट हो गई बहस बसइए के चक्कर में, तो भाई लटक जाओगे, और ऐसे लटकोगे स्पाउस वाले तो दोबारा शायद जा भी ना पाए। सो कॉन्टैक्ट इमीडिएटली, और अपने रिक्वायरमेंट्स को समझें और उनको प्रोसेस को कंप्लीट करें अपने एजेंट के साथ मिलके। और सितंबर इनटेक बहुत ज़्यादा रश वाला इनटेक है, ये नोट कर लो आप लोग। ऑल्दो अभी भी तकरीबन 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं, बट ये भी तकरीबन 15 जून तक सीन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर सीधा रिक्रूटमेंट चलेगी जनवरी इनटेक की। सो विदाउट मिसिंग एनी टाइम टीम को जल्दी कॉन्टैक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को फटाफट चला लें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। डराना मेरा मकसद नहीं होता है कभी भी, इन्फॉर्म्ड करना होता है। थोड़ा हार्ड वर्ड्स में करता हूं ताकि आपके यहां जा सके और आप उस पर एक्शन कर सकें और टाइम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ऑफिसेज हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में। और ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली एक फायदा तो है भाई कि सारे पैसे दोगे वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।